दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम तभी जीत पाएंगे जब इसे हम मिलकर लड़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संबंध में कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार कोरोना वायरस के हल्के लक्षण या बीमारी के शुरुआती लक्षण वाले लोग खुद को अपने घर में आइसोलेट कर सकते हैं ताकि वे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क में न आए, लेकिन इसके लिए घर में खुद को आइसोलेट करने की पूरी व्यवस्था होनी जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 27 अप्रैल को जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे मरीज का इलाज कर रहे चिकित्सा अधिकारी को जांच करने के बाद इस बात की पुष्टि करनी होगी कि मरीज में वायरस के लक्षण मामूली या शुरुआती हैं। मरीज को नियमित तौर पर जिला निगरानी अधिकारी को अपने स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी देनी होगी ताकि निगरानी टीम आगे का काम कर सके। इसके अलावा ऐसे मामलों की देखभाल करने वाले या सभी करीबी संपर्कों को इलाज कर रहे चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का एहतियात तौर पर सेवन करना होगा। मौजूदा दिशा निर्देशों के मुताबिक नियंत्रण चरण के दौरान मरीज की जांच के बाद उन्हें मामूली, मध्यम या गंभीर लक्षण वाले मरीज के तौर पर चिन्हित किया जाएगा और उसी के मुताबिक उन्हें कोरोना देखभाल केंद्र, कोरोना के लिए समर्पित स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। आपको बता दें कि विश्व के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के 80% मामले मामूली लक्षण वाले मामले हैं, जबकि 20% मामलों में जटिलताएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में भर्ती कराए जाने वाले मामलों में से केवल 5% को ICU में देखभाल की जरूरत होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी अपील की गई है और यह हर वक्त सक्रिय रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इन बातों का ध्यान रखकर कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में आप अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे।